अब तक के पेरिलक्स 2 के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन और ग्रीन लैंटर्न उस सपनों की मायावी दुनिया से बाहर निकलने के लिए पेरिलक्स की सेना को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे वैसे करके वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लाखों सेना से लड़ने के बाद उन्हें पता चल जाता है जिस पेरिलक्स सेना से वो लोग लड़ रहे थे वो ग्रीन लैंटर्न के पेरिलक्स का पुराना वर्जन था और अपग्रेडेड वर्जन। और बाउंटी डैडी के साथ फ्रैंकलिन और ग्रीन लैंटर्न लड़ाई करने लगते हैं। उसी के बीच में उन लोगों को पता चल जाता है अगर उन्हें उस मायावी दुनिया से बाहर निकलना है तो अपने आप को मारना पड़ेगा, और वो लोग ट्रेन के आगे आके अपनी जान दे देते हैं। क्या वो लोग अपने सपनों से असली दुनिया में पहुंच पाएंगे? तो चलिए देखते हैं अब आगे। फ्रैंकलिन उठ जाओ जल्दी, हमारे पास समय नहीं है, उठो। ये क्या हो रहा है? हम लोग है कहाँ पे? क्या हम लोग अपनी असली दुनिया में आ गए? हाँ फ्रैंकलिन, हम अपनी असली दुनिया में आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता हम असली दुनिया में जिंदा रह पाएंगे। क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन ऐसा क्यों? ट्रेन से टक्कर होने के बाद हम लोग मर गए और हमारी असली दुनिया में आ गए। तुम अपने आजू बाजू में नहीं देखते हो क्या कभी? कैसे ही रहो? क्या कहा, आजू बाजू में? ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? ये एक जाल था, सपनों की दुनिया से बाहर निकाल के हम लोगों को कैद किया था और हम इस जाल में फंस गए। मतलब हमारी बॉडी कब से इन लोगों के सामने थी? सही कहा, हम लोग जब तक उस मैनिपुलेशन दुनिया के अंदर यहाँ से वहाँ कर रहे थे हमें लग रहा था हमारी बॉडी हीलिंग लैंडन के विलेज के अंदर है, लेकिन इन लोगों ने हमारी बॉडी ला दी और यहीं पे रख दी। लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझे मरना ही था तो मैं सपनों की दुनिया में क्यों मरा, और इन लोगों को मुझे मारना ही था तो सपनों की दुनिया ही में ही मार देते। इतना गोल गोल घुमा के हम लोगों को जिंदा रखने का क्या मतलब है? फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से अब मैं इनका जाल समझ चुका हूँ, हम लोग ट्रैप में थे। मेरी एक बात सुनो, ये जो सारे के सारे पैरेलेक्स तुम्हें दिख रहे हैं, क्या इनमें से कोई भी तुम्हारी यूनिवर्स का पैरेलेक्स है? नहीं तो, ये मेरे यूनिवर्स में से नहीं है, लेकिन ये जो है ये मेरे यूनिवर्स के पैरेलेक्स जैसे दिख रहा था, लेकिन ये इवॉल्व हो गया, ये भी ताकतवर हो गया होगा, यही है मेरी असली दुनिया का पैरेलेक्स। तुम धोखा खा रहे हो, अगर वो पैरेलेक्स तुम्हारी दुनिया जैसे लगता है इसका मतलब वो तुम्हारी दुनिया का नहीं था। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे तुम बताओगे कि ये लोग चाहते क्या है? तुम लोगों को मुझे मारना है तो मार दो ना बाउंटी डैडी। इतना गोल गोल घुमा के सपनों की दुनिया में फंसा के और अब यहाँ से सपनों की दुनिया में बाहर आके असली दुनिया में भी फंसा रहे हो, क्या चाहते हो तुम मुझसे, बोलो। तुम अभी तक नहीं समझे कैसे बेवकूफ लैंटर्न हो? क्या कहना चाहते हो वो बताओ ग्रीन लैंटर्न, साफ साफ। ओके, मैं तुम्हें सारी चीजें बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी दुनिया का जो पैरेलेक्स है वो कब मारा गया था? मैंने उसे एक साल पहले ही मार दिया था। और उसके बाद तुमने उन्हें कैद किया था? हाँ मैंने कैद तो किया था, लेकिन उसकी बॉडी को कैद किया था। मतलब वो जिंदा नहीं है, और इसने जिस पैरेलेक्स को आजाद किया वो हूबहू तुम्हारी दुनिया के पैरेलेक्स जैसे दिखता है, लेकिन वो तुम्हारी दुनिया का नहीं है। हाँ तो उससे क्या है, चलो वो चूक हो गई होगी, लेकिन उससे इन लोगों को क्या रिलेशन है? तुम अभी तक नहीं समझे, अगर तुम्हारी दुनिया का पैरेलेक्स मरा हुआ है और ये सारी दुनिया के अलग अलग टाइमलाइन के पैरेलेक्स, छोटे मोटे अजीबोगरीब, एक आंख वाले, बड़े और उससे भी बड़े और उससे भी घटिया और उससे भी बड़ा एलियन, ये भी एक पैरेलेक्स है। क्या कहा, ये भी एक पैरेलेक्स है, लेकिन ये तो पैरेलेक्स की तरह नहीं दिखता, पैरेलेक्स की एक आंख होती है। सही कहा, लेकिन मैंने कहा था ना अलग अलग दुनिया में अलग अलग पैरेलेक्स हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, कोई मछली हो सकती है। ओके, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, सारे टाइमलाइन के पैरेलेक्स उस टाइमलाइन में आ जाए जिस टाइमलाइन में उस टाइमलाइन का पैरेलेक्स जिंदा ही ना हो, और एक ही ऐसी टाइमलाइन है जो कि तुम्हारी है। ओ माय गॉड, मतलब तुम लोग हमारी इस टाइमलाइन को, हमारी इस दुनिया को अपना घर बनाने वाले हो, और उसके लिए इन लोगों को मुझे मारना पड़ेगा, और वो भी एक साथ। सही कहा, अगर इनमें से किसी एक ने भी तुम्हें अकेले मारा तो इसका टाइमलाइन का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। और अगर इन लोगों ने साथ में मिलके एक साथ वार करके मुझे मारा तो टाइमलाइन को पता ही नहीं चलेगा किसने मारा है मुझे, और मैं गायब हो जाऊंगा जैसे कि मैं कभी था ही नहीं। और उसके बाद इस पूरे शहर में और इस पूरे यूनिवर्स में इन्हीं लोगों का राज होगा। ओके, अब मुझे सारी बात पता चली है कि तुम सब लोग मुझे एक साथ मारना चाहते हो, इसीलिए ये अलग अलग हमें भगा रहे थे क्योंकि हम लोग एक जगह के ऊपर आ जाए। सही कहा, और इन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया तुम्हें इनकी ट्रैप में लाने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं, तुमने हेल्प क्यों की? तुम ना भी बोल सकते थे। मैं ना भी बोल सकता था,
लेकिन मेरा दिल वही चाहता है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम हो कौन? तुम्हारा दिल वही चाहता है, मतलब तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ? ग्रीन लैंटर, तुम्हें यही सिखाया गया है, ग्रीन लैंटर कभी भी ऐसे दुश्मनों का साथ नहीं देते। लेकिन ग्रीन लैंटर के अंदर एक भैरूपिया भी हो सकता है। क्या कहा, एक भैरूपिया? वेट, ये क्या बन गए तुम? तुम हो कौन? मैं वही हूँ जो पहले तुम्हारे पीछे पड़ा था, इन सारे पैरेलेक्स का लीडर। इनको मैंने ही इकट्ठा किया है और बाउंटी डैडी से हेल्प भी ली है ये सारी चीजें करने में। और बाउंटी डैडी नहीं है, वो तो बाउंटी डैडीज है। अलग अलग टाइमलाइन के बाउंटी डैडीज ने उनके टाइमलाइन में आतंक मचा दिया था और वो पूरी टाइमलाइन खत्म कर दी। और अब ये सारे बाउंटी डैडीज एक साथ आ गए हैं, जिनसे इनकी ताकत बढ़ेगी। फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा रखा था ग्रीन लैंटर, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। तुम भी पैरेलेक्स हो, तुमने मुझे जानबूझ के मैनिपुलेशन दुनिया में अटकाया। तभी मैं सोच रहा था ग्रीन लैंटर को पैरेलेक्स के बारे में इतना कैसे पता। और तुमने मुझे कहा था पैरेलेक्स तुम्हारा कभी दोस्त हुआ करता था, मतलब ये वाला पैरेलेक्स तुम्हारा दोस्त है और तुम भी पैरेलेक्स हो। शिट, मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि तुम मुझे बस इन सब के बीचों बीच लाना चाहते थे, क्योंकि तुम सब लोग मुझे एक साथ मार के हमारी टाइमलाइन में कब्जा करना चाहते थे। और ये सब कुछ पॉसिबल है जब तुम मुझे मार पाओगे, जिसने हमारी टाइमलाइन के पैरेलेक्स को मारा है। मैंने ये महसूस किया था, मुझे इसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तुम लोग का तो समझ में आता है कि तुम लोग को मुझे मार के ये दुनिया मिलने वाली है, लेकिन तुम्हें क्या मिलने वाला है बाउंटी डैडी? मुझे मार के, अपने बेटे को मार के क्या मिलेगा? बेटे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन नियति ने ऐसा ही किया है। जब मैंने फ्यूचर देखा, फ्यूचर के बाउंटी डैडी ने मुझे कहा कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे और मेरे रास्ते का कांटा मुझे चुभ रहा था, और तुम्हारी वजह से मेरा फ्यूचर में इस दुनिया के ऊपर राज करना फेल हो चुका था। तो मैंने सोचा कि पास्ट में जाके टीम फॉर लैंटर्न बने हुए फ्रैंकलिन को खत्म कर दे, तो फ्रैंकलिन का कोई फ्यूचर ही नहीं रहेगा और मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। और तुम्हें मौके के दौरे में मिला ये पैरेलेक्स, जिसने तुम्हें ये सुझाव दिया कि एक तीर से दो निशाना करते हैं, तुम अपनी ताकत से मुझे यहाँ पे बुलाओ और इन लोगों को इनकी आजादी मिलेगी। सही कहा। मैं तुम्हें खा लूं, मैं हूँ पैरेलेक्स और 59 का। मुझे यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, हम लोगों का प्लान कामयाब, अब पैरेलेक्स इसे मार देंगे। चलो पैरेलेक्स इसे खत्म कर देते हैं। तुम लोग उसे क्या मारोगे? उससे पहले मुझे उसे मारना है, बाउंटी डैडी का आदेश नहीं मानता ये। अब ये अलग दुनिया का पैरेलेक्स इसे मारेगा, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तुम सबको मैं एक चीज बता दूं, मैंने इसका बहुत पीछा किया है, मैंने इसको पहले भी मारा था, लेकिन आज मैं इसे मारूंगा। तुम में से कोई इसे नहीं मारेगा, तुम सब लोग एक साथ इसे मारोगे, समय आ चुका है। फ्रैंकलिन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन हमें जिंदा रहना है तो इस टाइमलाइन के फ्रैंकलिन को मारना होगा, तब जाके ये मेरे हाथ में आएगी पूरी टाइमलाइन। सारे पैरेलेक्स तैयार? हाँ, मैं तैयार। मैं भी तैयार। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। और मैं भी तैयार हूँ, चलो हमला करते हैं। हमला करो इसके ऊपर सारे पैरेलेक्स। मुझे लगता है मेरा टाइम आ चुका है, मैं मरने वाला हूँ, तुम सब लोग मुझे मार सकते हो, मैंने मेरी दुनिया को शर्मिंदा किया। गाइस, मुझे माफ कर देना, तुम्हें जितना मुझे मारना है मारो, मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं रही है। मैंने अभी अभी मैनिपुलेशन दुनिया में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी, जिसकी वजह से अब मैं लैंटर्स में अपग्रेड नहीं हो पाऊंगा। और तुम लोग भी यही चाहते थे कि मैं टीम फॉर लैंटर्न या ब्लू टेल से हेल्प ना लूं, तो तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। फ्रैंकलिन के पास अभी कोई ताकत नहीं है। सारे पैरेलेक्स, जिस भी टाइम के तुम लोग हो, तुम सब लोग मुझे मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। भले मैं चाहता हूँ तुम लोगों को मैं नोच के खत्म कर दूं और इस दुनिया से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों का प्लान बहुत ही प्रूफ था, एनर्जी वेस्ट करके मुझे यहाँ पे बुलाना। ये तो बाउंटी डैडी का ही प्लान हो सकता है। सही कहा, हमारा ही प्लान था, लेकिन हमें बाउंटी डैडीज, हमारा काम हो चुका है। पैरेलेक्स, अब आगे की कमान मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ओके, शुक्रिया बाउंटी डैडी हेल्प के लिए। लेकिन याद रखना मुझे क्या चाहिए। ओके, मुझे पता है आपको चाहिए द बुक ऑफ बीस्ट। क्या कहा, द बुक ऑफ बीस्ट? शिट,
नहीं, ये तो बस एक कहानी थी, ये कहानी थी, ये सच नहीं है पैरेलेक्स, प्लीज बोलो। तुम्हें क्या लगता है ये कहानी है? हर कहानी कहानी नहीं होती, कभी कभी वो सच भी होती है, लेकिन बस यकीन करने वाले नहीं होते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतने सारे लोग अलग अलग टाइमलाइन से यहाँ पे आए हैं किस लिए आए हैं? उन्हें यकीन है द बुक ऑफ बीस्ट के ऊपर, इसीलिए वो बाउंटी डैडी की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना है, अभी से हमारा रास्ता अलग। बाउंटी डैडी जैसे ही उसका पता चलेगा मैं तुम्हें वो लाके दे दूंगा। तुम बस अब अपने बाउंटी डैडीज को लेके चले जाओ यहाँ से, आगे का मैं संभाल लूंगा। और हमारी इस टाइमलाइन में वापस मत आना, मैं तुमसे वही मिलूंगा समय के अंत में। क्या कहा, समय का अंत? ये भी एक कहानी थी, समय का अंत जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हें पता है समय का अंत भी है और उसके आगे समय लिखा भी जा रहा है, और समय को और तुम्हें मुझे बनाने वाला इस दुनिया में इस टाइमलाइन में जिंदा है हमारा कर्ता धर्ता। मतलब तुम गॉड के बारे में बात कर रहे हो? बेवकूफ, तुम्हारे लिए गॉड होगा लेकिन वो एक इंसान भी हो सकता है, एक एलियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे इस ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में सब पता होगा। तुम सब लोग बहुत बोल रहे हो, मुझे जाना होगा, आपस में सारी इन्फॉर्मेशन बांट लेना। चलो बाउंटी डैडीज चलते हैं, द बुक ऑफ बीस्ट जल्दी मिलेंगे। फ्रैंकलिन उसके लिए तैयार रहना, अगर तुम जिंदा रहो तो। तुम लोगों का ये सौदा था, तुम लोगों ने उसके साथ एक सौदा किया, लेकिन ये सौदा बहुत खतरनाक है। टाइमलाइन के अंत में एक और टाइमलाइन दुनिया है, उसे कोई लिख रहा है, कोई तो है जिसने मुझे बनाया है, वो इंसान ही है, ये कहानियां है। शिट शिट शिट, मुझे जिंदा होना होगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है इसके पास जादुई ताकत है? इसके पास नमूना कई का। सॉरी, मैं तुम्हें हिलने नहीं दे सकता। चलो पैरेलेक्स, सब लोग इसे खत्म करो। ओ भाई गाना मजा, अब तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। हमला करने के लिए तैयार? मैं तो कब का तैयार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे दोस्त है। हम नहीं मानेंगे, खत्म करो। अले इतनी भी क्या जल्दी है, हम लोग आ गए। क्या कहा तुम लोग? फ्रैंकलिन, हम लोग आ गए हैं। हल्क ने तबाह कर देगा। एस्गार्ड की कसम, ओडिन पुत्र थॉर तबाही मचाएगा। आई बापली, वरने भी चलो खत्म करते हैं। सही कहा विजन बाबू, हमला। तुम सब जाओ, मैं स्पेसशिप संभालती हूँ। रही है चुनी, चलो चलते हैं। एवेंजर्स, शुक्रिया हीरो वाली एंट्री, मैं तुम लोगों का कितना धन्यवाद करूं। अले इन लोगों को खत्म करने के बाद धन्यवाद करना। स्पाइडरमैन शुक्रिया। अले फ्रैंकलिन तुम दूर हो जाओ, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। तुम लोगों की टिकट दे दी। ये क्या हो रहा है, हमला करो इसके ऊपर, ये बंदर कहाँ से आ गया? तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुँचाई, तुम लोग तो गए हो, कहाँ पे भाग ले हो? मुझे बैकअप करो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। हाँ सही कहा, बाउंटी डैडी अभी यहाँ पे नहीं है। और अब हम किसके गुलाम नहीं है, मारो। सही कहा, मारो। सब एवेंजर्स मेरी बात सुनो, ये लोग इकट्ठा है लेकिन ये लोगों में एकजुट नहीं है, तुम सब लोग एकजुट होके मारो। अल्ले मैं तो यही कर रहा हूँ, तू तो गया पहले लेग, तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाया है। ये क्या कर रही हो? नहीं अल्ले बाप, ले बाप ये क्या बला है, ये लोग यहाँ पे कहाँ से आ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है, पाजल मैन के पास बहुत गुत्ता आ रहा है। मेरे फ्रैंकलिन को तुम लोग मारना चाहते थे, मेरे दोस्त के ऊपर अगर कोई उंगली भी उठाता है तो मैं उसके ऊपर अपने जाले फेंक के उसका उंगली तोड़ देता हूँ, और तुम लोग उसे मार लेते। पैदल मैन कुत्ते में है, ये ले बोलूंगा तुम लोगों को, ये ले 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 ले। हाँ, वकंडा वकंडा फॉरएवर, मैं हूँ ब्लैक पैंथर, वकंडा का राजा। तुमने स्पाइडरमैन को हाथ पहुंचाया? अरे स्पाइडरमैन को नहीं, मुझे हाथ पहुंचाया है ब्लैक पैंथर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हिल क्यों नहीं रहे है? अरे हिलना क्यों चाहिए, ये तो तुम्हें पक्का कच्चा चबा जाएंगे। मैं इनसे नहीं डरता। ये क्या, ये भाग रहे हैं। फ्रैंकलिन को मारो। ये क्या हो रहा है, ये मुझे मार रहे हैं, सब लोग मेरी रक्षा करो। स्पाइडरमैन, फ्रैंकलिन को कुछ होने मत देना। अल्ले मैं कहाँ पे कुछ होने दे रहा हूँ? हल्क, हल्क आ रहा है, अभी तक एंट्री नहीं मारी है। वकंडा वकंडा फॉरएवर, ये नहीं। सब लोग एक एक को पकड़ो, एक एक सीना खत्म कर दो, मैं तुम्हें लीड करता हूँ, मेरी बात सुनो। ओके फ्रैंकलिन, ये मुझे मिल चुके हैं, अब वकंडा का राजा ब्लैक पैंथर इन्हें छोड़ेगा नहीं। ये ले,
अई बैपली, वरने बीबी मैं इसको देख लेता हूँ। तुम मुझे देखोगे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अई बैपली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। विजन, विजन बाबू खत्म करो इसे। ये क्या हो रहा है, ये जमीन हिल क्यों रही है। अई बैपली, मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, वरने बीबी मैं इसे खत्म कर दूँ। विजन बाबू एक झटके में खत्म करो। ये अई बैपली, ये क्या हो रहा है। शिट, इसने मुझे उड़ाया। बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है। अई बापली, विजन के पास एक इन्फिनिटी स्टोन है, ये ले। ओ माय गॉड, मैंने इसको निपटा दिया। हल्को इससे पुराना हिसाब चुकता करना है। ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास आसा आ रहा है। शिट शिट, ये तो वही है दानव कई का। तुमने हल्को दानव कहा, अब हल तुझे छोड़ेगा नहीं। ये ले। ये क्या हो रहा है। नहीं, हल्क बहुत औसम, इसको तूने निपटा दिया। हल्क ने बदला ले लिया, मेरा मुंह जमीन के अंदर डाल दिया, इसलिए हल्क से पंगा ना लो। तुम चिंता मत करो फ्रैंकलिन। ओ माय गॉड, जिप्सी। फ्रैंकलिन, ये तेरी वाली जिप्सी नहीं है, ये एक प्रोटोटाइप है। ओ माय गॉड, दो दो जिप्सी, वाओ, फुटबॉल की तरह उड़ा दिया। ये क्या हो रहा है, नहीं मुझे छोड़ दो। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, अब तू बसा है। नहीं नहीं, ये मेरे पास आ रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, ओ माय गॉड, क्या उड़ाया है। अब बहुत हो गया, सारे पैरेलल एक चूट हो जाओ। एवेंजर्स, चलो स्पेसशिप के अंदर असेंबल। ओके, मैं आ रही हूँ। शेट टोनी, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, जल्दी निकलते हैं। ओके, डिसमेंटल। चलो सब लोग बैठ गए। सही कहा ब्लैक विडो, चलो। ब्लैक विडो, कोई रह तो नहीं गया। नहीं फ्रैंकलिन, लेकिन तुम जिंदा हो, शुक्रिया। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ठीक हो। जाओ, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसको पकड़ो। ओह माय गॉड, उसको पकड़ो। ये क्या हो रहा है, स्पेसशिप का तोल जा रहा है। मतलब तुम्हारा बैलेंस जा रहा है, तुम कहाँ पे खींचे चली जा रही हो। अल्ले फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से हम लोग उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं। क्या कहा, ये क्यों हो रहा है। फ्रैंकलिन, वो जोर से सांस ले रहा है और अपनी स्पेसशिप को खींच रहा है। थर्ड बूस्टर लगाओ, जल्दी करो ब्लैक विडो। ओके, मैं लगा रही हूँ। ये हुई ना बात, बढ़िया। तुमने मुझसे पंगा लिया, मेरे अंदर आ जाओ। ये नहीं हो सकता, हम लोग अंदर जा रहे हैं। टोनी, कुछ करो। फ्रैंकलिन, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें मरना नहीं है। ब्लैक विडो मिसाइल। ओके, ये ले 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 ये ले। ये क्या हो रहा है। शिट, अच्छी, ये हुई ना बात। ये चीखा और हम लोगों की स्पेस चीक की तरफ तार से निकल गयी। तुम बेवकूफ, एक स्पेसशिप नहीं खींच सकते। सॉरी बॉस, फाइनली हम लोग बच गए। ओह माय गॉड, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो ग्रीन लैंटर्न कहाँ पे है, हमारा दोस्त ही है। और हमने अपनी बॉडी को रीहील कर लिया है। हिप हिप फुर्रे। क्या कहा, तुम्हारी बॉडी। यस, मैं तो भूल ही गया, मैं तुम लोगों को छू पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया यार, मैं कितने दिनों से यही चाह रहा था कि तुम लोग जिंदा रहो, और फाइनली हीलिंग लैंटर्न ने तुम्हें जिंदा कर दिया। फ्रैंकलिन, वो लोग क्या थे और क्या चीज थी, इतने सारे पैरेलेक्स कहाँ से आ गए। टोनी, ये बहुत लंबी कहानी है और हमारे पास बहुत समय है, वो सारी कहानी बता दो। लेकिन हम लोग इसे कहाँ पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं लैंटर्न सिटी। सही कहा फ्रैंकलिन, मिलके अच्छा लगा। ग्रीन लैंटर्न, ओह माय गॉड, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे सवाल है। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो चलते हैं लैंटर्न सिटी, वहीं पे अब सारा मामला सुलझ जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतने सारे पैरेलल्स कहाँ से आ गए। ये लंबी कहानी है और ये हमारे टाइमलाइन के नहीं है। अरे तो लेकिन है कहाँ के, वो तो बता दो। वो अलग अलग टाइमलाइन से मुझे खत्म करने आए हैं। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, वो लोग उस थेरी को यूज कर रहे हैं। क्या ग्रीन लैंटर्न, तुम्हें पता था। हाँ फ्रैंकलिन, मुझे पता है, वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, वो भी एक साथ, जिसकी मदद से इस दुनिया के पैरेलल्स की रखवाली की जगह ले पाए। सही कहा ना। हाँ ऐसा ही कुछ वो लोग कर रहे थे। तो अच्छा हुआ हम लोग आ गए, नहीं तो तुम्हारा क्या ही होता। चलो लैंटर्न सिटी, हमें बहुत सारे काम करने हैं। सही कहा, चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को आज का एपिसोड कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक है मैं 10,000 प्लस लाइक, जैसे ही आप गोल कंप्लीट करते हो मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी डाल दूंगा। और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोस की अपडेट के लिए वहां पे ज्वाइन और फॉलो कर लेना, और आगे क्या होने वाला है इसके लिए हमसे जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय बाय।